महाराणी धन्य कुमारी मरियम का वर्ण संत पापा पीयूष 12वें ने 11 अक्टूबर सन 1954 में शुरू किया था। संत पापा ने दुनिया भर के ईसाइयों से आग्रह किया कि वे इस पर्व के दिन अपने आप को माता मरियम के संरक्षण में पुनः समर्पित करें। सन 1969 में संत पापा पौलुस 6वें ने इस पर्व को 11 अक्टूबर से 22 अगस्त में स्थानांतरित किया। इस पर्व का उद्देश्य था कि मां मरियम, जो कि ईश्वर पुत्र ईसा मसीह की मां है, उस मां को सम्मानित करें, भक्ति से उनसे मध्यस्थता मांगे। 14वीं सदी में संत जेरोम ने माता मरियम को रानी नाम से संबोधित किया, जबकि 7वीं सदी में संत योहन दमशीन ने मां मरियम को अपने प्रवचनों में रानी के रूप में बताया। तब से मां मरियम को दुनिया भर के ईसाई लोग विश्व की रानी के रूप में मानने लगे, आदर करने लगे। 11वीं और 13वीं सदी के क्रिस्तीय गीतों में हम मां मरियम को विश्व की रानी के रूप में दर्शाए हुए देखते हैं। हम विश्वास करते हैं कि मां मरियम शरीर और आत्मा के साथ स्वर्ग में उठा ली गई, जहां उन्हें विश्व की रानी के रूप, स्वर्ग और पृथ्वी के रानी के रूप में मुकुट पहनाया गया। ईश्वर पुत्र ईसा मसीह को अपने गर्भ में धारण करने से, उन्हें जन्म देने से धन्य कुमारी मरियम राजाओं के राजा ईसा मसीह की मां बनी। इसराइली परंपरा के मुताबिक राजा की मां रानी पुकारी जाती थी। मां मरियम को ये पद, रानी का पद, इसलिए नहीं मिला कि वो शाही संबंध रखती थी, बल्कि ईसा मसीह से वो अपने बेटे का रिश्ता रखता था। ईसा मसीह के इस लोक के जीवन में मां मरियम सहभागी बनी। उसी तरह आज उनकी महिमा में, स्वर्ग में उनके साथ सहभागी बनी हुई है मां मरियम। वेटिकन दूसरे महासभा सिखाते हैं, मां मरियम मृत्यु के बाद शरीर और आत्मा के साथ स्वर्ग में उठा ली गई, जहां उन्हें स्वर्ग और पृथ्वी के रानी के रूप में मुकुट पहनाया गया। ईसा मसीह के इस लोक के जीवन में सहभागी बनने से मसीह के स्वर्गीय जीवन के, स्वर्गीय महिमा के सहभागी मां मरियम बन सकी। हम भी कोशिश करें मसीह के जीवन में हम भी अपने विचारों से, अपने प्रयासों से सहभागी बने, ताकि स्वर्ग में उनकी महिमा, उसमें हम भी सहभागी बन सकें।